काम कर रहे हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, और उसमें मौजूद ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, या सिस्टम जो है उसमें ऐसी कौन सी बेहतरी लाई जा सकती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसको सेफ मैयस जो है प्रोवाइड करने के लिए काम किया जा सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में आज हमने सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और HRO जो है वो देखा है। HRO जो है ये एक्रोनिम है हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो सिस्टम पहले देखेंगे क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है, और फिर हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, जो कि पेशेंट सेफ्टी जो है उसके लिए काम कर रही है, या उसे किस तरह से पेशेंट सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टम जो है उसको समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पता होना ज़रूरी है। तो सिस्टम जो है टर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है, इन दोनों का रिलेशन हेल्थ केयर से किस तरह से बनता है, पेशेंट सेफ्टी जो है उसके लिए सिस्टम किस तरह से एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उससे बेहतर है, एक आम तरीके से काम करना और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने में क्या फ़र्क है। इसके अलावा जो है सिस्टम्स की जो हम एक कह लें उसको डिवाइस कर रहे हैं, उसके डिवाइस करने का फ़ायदा क्या होगा, किस तरह से वो जो है पेशेंट सेफ्टी के लिए काम करे। तो ये चीज़ें जो है ये हमें पता होना ज़रूरी है। फिर हम एक सिस्टम जो है वो डिवाइस कर सकते हैं किसी भी चीज़ जो है उसको सही तरीके से सरंजाम देने के लिए। तो सबसे पहले सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग पार्ट्स जो हैं उनसे मिलकर बनता है। एक सिस्टम जो है उसके एग्जांपल के तौर पे आप हमारी बॉडी जो है उसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम है, जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये सेपरेट हैं, हर एक सिस्टम अपना अपना काम जो है वो कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उससे एसोसिएटेड है, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के जो हैं वो उससे एसोसिएटेड हैं, और एज अ होल ये सारे सिस्टम जो हैं उनको ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, और सिस्टम इंडिविजुअल सिस्टम जो कि हमारी पूरी बॉडी जो है उसको चलाने के लिए काम कर रहे हैं वो सिंगल जो है इंडिविजुअल जो है हो गए। तो सिस्टम जो है कोई भी हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, हॉस्पिटल में जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉम्प्लेक्स है, उसको रन करने के लिए भी डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ अलग सिस्टम है उस पर काम करेगा, हमारी सर्जन की टीम जो है वो एक अलग सिस्टम जो है उस पर काम करेगी, हमारा एडमिन स्टाफ जो होगा वो अलग होगा। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट सिस्टम जो है उसके अंदर एलोकेटेड है, उसके जो है अंडर उसने काम करना है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ये क्या है, ये ज़्यादा जो है दो या दो से ज़्यादा सिस्टम जो है वो मिलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है चूँकि इसमें ज़्यादा सिस्टम्स मौजूद हैं तो इसमें एरर जो है ना उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। एक सिस्टम जो है छोटे लेवल पे एरर्स जो है उनको कंट्रोल करना इजी है एज कंपेयर टू द अपर लेवल। एक अपर लेवल पे जो आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें अगर कोई एरर आती है तो चूंकि उसमें ज़्यादा सिस्टम मौजूद हैं तो हर हर लेवल जो है उस पे एरर आने का चांस ज़्यादा है, और उसमें जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करने के चांसेस जो हैं वो भी कम है। तो अगर हमें सिस्टम वाइज एरर्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाएं तो हम जो हमारी एरर है उसको फर्दर जो है सिस्टम में कोई भी बिगाड़ लाने से रोक सकते हैं। अब पर्सनल अप्रोच क्या है इन एरर्स जो हैं उनको कम करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये है कि एरर जो है उसको आप कंसीडर करें कि ये किसी ना किसी लापरवाही की वजह से हुई है, कहीं ना कहीं कोई फ्लो था जिसकी वजह से एक सिस्टम जो है उसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई है। अब ये जो खराबियां पैदा हो रही हैं सिस्टम्स में इनके लिए रेमेडी क्या है, किस तरह से एरर मेकिंग जो है उसको कम किया जाए। तो सबसे पहले तो है नेमिंग या चार्टिंग, आप जो है एक स्पेसिफिक जो है नेम्स वाइज जो है हर चीज़ जो है उसको ऑर्गेनाइज कर दें ताकि जो है चीज़ें जो हैं उनका मिक्स होने का चांस ना हो। ब्लेमिंग, ब्लेमिंग जो है इसमें क्या है कि एक
जो है किसी फैक्टर की वजह से जो एरर आ रहा है उसको उसी जगह पे ख़त्म किया जाए या कंट्रोल किया जाए, बजाय इसके कि अपनी गलती जो है ना माने और किसी दूसरे सिस्टम जो है उसके ऊपर आप ये बात छोड़ दें कि ये काम तो उसका था, मैंने मेरे अंडर नहीं आता था। तो ये ब्लेमिंग जो है ये सबसे अहम चीज़ है एक सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए। तो हमारे यहाँ तकरीबन ऐसा ही है कि हर कोई जो है वो एक सिस्टम जो है उसमें कोई फ्लो जो आ रहा है उसको यही समझता है कि ये फ्लो हमारी वजह से नहीं है या हम उसे ठीक नहीं कर सकते, ये जो है ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे सिस्टम जो है उसके अंडर आती है, उनका काम है ये चीज़ सही करना। तो इस तरह से ब्लेम करने से वो एरर जो होती है वो वहीं पे मौजूद रहती है और सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने एलोकेटेड काम जो हैं उनको रिकग्नाइज करे और उनको किस तरह से सही से परफॉर्म करना है इस चीज़ पे गौर करे। रीट्रेनिंग में क्या है कि सिस्टम में एरर्स आने की वजह जो है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है या लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। तो आप जो है दोबारा से सिस्टम के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अपनी टीम जो है उसको ट्रेन करें ताकि जो भी एरर्स आ रही हैं उनका रिस्क जो है वो कम किया जा सके। वाई इन्वेस्टिगेट, तो जो सिस्टम में एरर्स आ रही हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है? तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिस्क जो हैं उनको कम करने के लिए या फर्दर जो है बड़े नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी है। कि एक सिस्टम में अगर आप छोटे लेवल पे ही एरर को जो है रिकग्नाइज कर लेंगे तो वो एरर किसी बड़ी गलती का बाइस नहीं बने। तो इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? सबसे पहले है एजुकेशन, न्यू प्रोटोकॉल्स और न्यू सिस्टम्स। तो एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सिस्टम को सही से चलाने के लिए उसको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो पता होना ज़रूरी है, उसको हमने किस तरह से चलाना है, एरर्स को किस तरह से कम करना है और बेहतरी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है न्यू प्रोटोकॉल्स और न्यू सिस्टम। तो एक सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए या फर्दर जो है उसकी एडवांसमेंट के लिए नए प्रोटोकॉल्स और नए सिस्टम जो हैं वो भी लाना ज़रूरी है। लाजमी नहीं है या ये गलत है कि आप पुराने सिस्टम्स जो हैं उन्हीं पे उनको स्टैंडर्ड समझ के काम करते रहे। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है उस तरह नई नई प्रोसीजर्स, नए जो है सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि किस तरह से मज़ीद बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है वो चीज़ देखी जाए। तो नए सिस्टम्स और नए अप्रोच जो है उनको जो है करना बहुत ज़रूरी है अपने सिस्टम में शामिल। अब डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हैं किसी भी एक सिस्टम जो है उसको बनाने में या उसमें कोई भी जो एरर्स आ रही हैं वो कॉज करने में, तो इसमें पेशेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, प्रोवाइडर फैक्टर्स हैं, टास्क फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड टूल फैक्टर्स हैं, टीम फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। तो ये सारे ये जो है ये सब कैटेगरीज हैं हमारे सिस्टम की। एक सिस्टम जो है इन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, पेशेंट्स, प्रोवाइडर्स, टास्क, टीम, ये सारी चीज़ें जो है ये एक जो है सिस्टम बना रही है। तो इस सिस्टम में अगर कोई गलती आती है तो वो किसी भी इस सब लेवल जो है उसमें कहीं पे कोई फ्लो जो है उसकी वजह से हो सकती है। तो ज़रूरी है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको जानकर उस जो है तरीके से जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करता हुआ काम करें। पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो काम या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एंटर होने के बाद उन्हें एक्ट करना चाहिए ताकि कोई एरर जो है वो क्रिएट ना हो। प्रोवाइडर्स जो हैं, इसमें हमारे सारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ आ जाता है, तो उन्हें किस तरह से केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है या एरर्स जो है उनको कम करना है पेशेंट सेफ्टी जो है उसके लिए, ये चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। टास्क जो है वो कौन से हैं जो कि हमने पूरे करने हैं और किस तरह से जो है क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है पेशेंट को।
टेक्नोलॉजी और टूल्स फैक्टर्स आ जाते हैं, किसी भी जो है सिस्टम में मौजूद जितनी टेक्नोलॉजी है उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस, डिफरेंट टूल्स जो है डायग्नोसिस के लिए या प्रोसीजर्स के लिए, उनकी मेंटेनेंस जो है वो इसमें आ जाती है। टीम फैक्टर है, टीम फैक्टर में एक टीम जो है उसको किस तरह से इंटरेक्ट करना है सिस्टम में, ताकि जो है वो मिलकर एक सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो कि सिस्टम जो है उस पर अफेक्ट कर रहे हैं और एरर्स जो है उनका बाइस बन सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो है वो क्या है। तो ये एज अ होल सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक सिस्टम जो है उस पर असरअंदाज होंगे, उसको अफेक्ट करेंगे, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसको जो है कहने के अफेक्ट करने पे अफेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है WHRO। HRO क्या है? हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कह लें कि एक ये परफेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिसमें जो है एरर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने काम ही इस तरह से करना है कि एरर्स जो है उनकी क्रिएट होने से पहले पहले उसका ये पता करा ले कि कौन सी एरर्स क्रिएट हो सकती हैं और उनको ख़त्म करना हमने किस तरह से है। तो एरर्स जो है उनका कह लें उनका रिस्क जो है कम से कम करना जो है हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम है कि एक एरर जो कि इन्हें पता हो सकती है सिस्टम में उसको होने ही ना दिया जाए, उसको कम करने के लिए क्या मैयर्स करनी है वो इनका काम है। तो जो ये हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आ जाती है, प्लांट और नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह जो हैं ये आ जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम जो हैं ये हाई रिलायबिलिटी सिस्टम हैं जो कि जो हमारी कहने कंट्री जो है उसको किस तरह से हैजर्ड्स जो है उनसे बचाना है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो प्री ऑक्यूपेशन विद फेलियर, कि उन्हें पता हो कि एरर्स कौन से हैं जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनके सिस्टम जो है उसमें आ सकते हैं और उनको किस तरह से अवॉइड करना है। नंबर टू है कमिटमेंट टू रिजीलियंस। तो जो है दे शुड बी रिजीलियंट, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड थ्रेट्स जो हैं कोई भी हार्म कोज कर सकते हैं उनके लिए वो किस तरह से एक्टिवली परफॉर्म करें। सेंसिटिविटी टू ऑपरेशंस, तो फ्रंट लाइन पे जो भी काम कर रहा है उसको कौन से इश्यूज जो हैं उनको फेस किया जा कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो वो फेस कर सकता है और उन इश्यूज को किस जो है किस तरह से फेस करना है या किस तरह से अटेंशन देनी है ये उन्हें पता होना चाहिए। कल्चर ऑफ सेफ्टी। कल्चर ऑफ सेफ्टी में क्या है कि अगर आप एक जो है जूनियर लेवल पे कोई एरर जो है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि आपके सीनियर्स जो हैं वो आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक खूबी है कि उसमें हर एक लेवल पे जो बंदा मौजूद है वो एरर या हैजर्ड जो है उसको कम करने के लिए अपना अपना पार्ट प्ले करेगा विदाउट एनी फियर कि उसको जो है मजाक का सामना करना पड़ेगा या उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। की प्रिंसिपल्स क्या हैं हाई ऑर्गेनाइजेशन जो है हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? टू मेंटेन अ पावरफुल एंड यूनिफॉर्म कल्चर ऑफ सेफ्टी, टू यूज ऑप्टिमल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर, टू प्रोवाइड इंटेंसिव एंड कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम, एंड कंडक्ट थोरो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो है उसके लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें होंगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से काम कर सकती है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो बताया गया है, एक केस स्टडी है, उसके मुताबिक क्या है कि एक सर्जन ओरल सर्जन है, उसने इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है वो रिमूव करना है राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का उसने थर्ड मोलर जो है वो रिमूव करना है। तो उसने क्या किया,
अपनी सारी सेटिंग और सीटिंग कर ली, उसके बाद जो है जो उसका असिस्टेंट था उसने एक्सरे जो था वो लगा दिया। पेशेंट स्टार्ट करने के टाइम जो सर्जन था उसको ये भूल गया कि उसने राइट साइड करनी थी कि लेफ्ट, क्योंकि दोनों जो मोलर्स हैं वो विजिबल नहीं है, दोनों साइड्स के जो मोलर्स थे राइट और लेफ्ट वो ओरल कैविटी में विजिबल नहीं थे। तो उसने अब जो उसे भूल चुका था तो उसने एक्सरे जो है उसकी तरफ देखा कि मुझे कौन सा दांत था जो निकालना था। तो उसने एक्सरे में देखा उसको राइट लोअर थर्ड मोलर जो था वो इम्पैक्टेड नज़र आया। उसने इंसीजन दिया, फ्लैप रेस किया, बोन अगर कट करने की ज़रूरत थी क्योंकि वो इम्पैक्टेड है फुली, उसने बोन कट की। लेकिन बोन कट करने के बाद क्या हुआ कि उसे वहाँ पे दांत मिला नहीं। अब जो है उसने कहा कि ठीक है थोड़ा और नीचे होगा, उसने बोन और ज़्यादा ग्राइंड की देखने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर उसने थोड़ा गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे दांत नहीं मिल रहा। तो उसे पता चला कि पहली बात तो ये जो एक्सरे लगाया गया था इल्यूमिनेटर पे वो उल्टा लगाया था, राइट साइड को लेफ्ट और लेफ्ट मतलब टर्न कर दिया था एक्सरे को, ठीक है। इस वजह से जो राइट थी वो जो साइड थी इंपैक्शन वाली वो जज करने में उसकी उससे गलती हो गई, ठीक। तो असल में ये असिस्टेंट की गलती थी कि उसने बेध्यानी में एक्सरे जो था वो उल्टा लगा दिया। और दूसरे नंबर पे ये सर्जन की गलती थी कि उसने थोड़ा सा गौर किए बगैर अपने नॉलेज जो है उसको अप्लाई किए बगैर जो है वो जस्ट एक लुक दी एक्सरे पे और काम स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअली लोअर जो लेफ्ट लोअर थर्ड मोलर था वो रिमूव करना था, जबकि उसने सारा काम जो था वो राइट रिमूव करने के लिए कर दिया। तो अब ये जो हार्म कॉज हुआ है ये इनइवाइटेबल है, और पेशेंट जो है उसकी आपने बोन ग्राइंड भी कर दी, उसका फ्लैप भी रेज हो गया बिला वजह कह लें कि एक सर्जरी जो है वो ऑपरेट कर। तो इन एरर्स जो है इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए था, किस तरह से इस एरर को अवॉइड करना चाहिए था? तो इसमें सबसे पहले चार्टिंग थी कि प्रॉपर नोट्स होते जो पेशेंट था उसके चार्ट पे कि कौन सी साइड है जिस पे हमने ऑपरेट करना है, वेदर इट इज़ लेफ्ट और राइट। दूसरा ये किया जा सकता था कि पेशेंट को फुली अवेयर किया जाता उसकी जो है ऑपरेटिंग साइट से, पेशेंट को बताया जाता। इससे ये होता कि आपको अगर भूल गया था ऑपरेट करते हुए तो पेशेंट आपको याद दिला सकता था कि मेरी मैम क्या राइट साइड जी। मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें क्लास में, क्लास अब तकरीबन खत्म ही होने वाली है, दिस वाज द लास्ट स्लाइड। यस मैम कुछ बच्चे हैं, इमान फरीद भी कह रही है कि मुझे अलाउ कर दें, कब से बैठी हुई है। चलें देख लेते हैं, ये अब लेक्चर तो खत्म ही होने वाला है। तो ये जो एरर आई है चार्टिंग सबसे पहले बहुत जरूरी थी, प्रॉपर डिटेलिंग जो है वो फॉर्म में फिल होना। नंबर टू क्या चीज़ थी, आपका असिस्टेंट जो है वो लापरवाह ना हो। आपका असिस्टेंट जो है चूंकि उसने आपको एक सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसमें असिस्ट करना है तो वो फुली अवेयर होना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। उसने काम जो है उसको जो है अपने सर से उतारना नहीं है, उसने भी अपना प्रॉपर जो है कहने हिस्सा डालना है। उसको इतना नॉलेज है कि कौन सी लेफ्ट साइड है कौन सी राइट साइड है, और एक्सरे पे इल्यूमिनेटर पे उसने एक्सरे जो है उस फिल्म को सही से प्लेस करना है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सही से प्लेस करें, एक्सरे सही से प्लेस करें, सारी ऑपरेटरी जो है वो मैनेज करना असिस्टेंट की जिम्मेदारी है। नंबर तीन जो सर्जन है इट सेल्फ उसकी जिम्मेदारी थी कि वो जो है सही तवज्जा जो है उससे काम करता, प्रॉपर एनालाइज करता कौन सी जगह थी जिस पर उसने ऑपरेट करना था, क्या किन चीज़ों अगर वो भूल भी गया था तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी लाइक मार्किंग और पेशेंट को बता देना। तो ये चीज़ें इन पे अमल करके वो इस एरर जो है उसको प्रिवेंट कर सकता था। तो इस तरह से किसी भी एक सिस्टम जो है उसमें आने वाली एरर्स जो हैं उसको अगर हर लेवल पे ही कंट्रोल कर लिया जाए तो हम जो है एक बड़े लेवल पे या फाइनल स्टेज पे जो एरर आ रही है उससे बच सकते हैं।